आप अपनी लाइफ हील करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ को पूरा हील कैसे कर सकते हैं, परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो। आज मैं करूंगी इस वीडियो में रिव्यू इस बुक का, यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक लिखी है लुईस हे ने और उन्होंने ये बुक लिखी थी 1984 में। तो मेरा नाम है विभा एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत सारी बुक्स का, अच्छी अच्छी बुक्स का रिव्यू लाऊंगी इस चैनल पे, और उसी सीरीज में आज इस बुक का रिव्यू है, यू कैन हील योर लाइफ। लुईस हे ने एक और बुक लिखी है, यू कैन हील योर बॉडी। उसमें उन्होंने बात करी है कि उन्होंने डिफरेंट अपनी हेल्थ कंडीशंस आप कैसे हील कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी हुई है, हमारी बॉडी सिर्फ फिजिकल नहीं है, हमारी बॉडी इमोशनल और मेंटल एक पूरी स्पिरिट है। आजकल क्या हो गया है कि आपको कोई एक हेल्थ कंडीशन है, से आपको डायबिटीज है या आपको ब्लड प्रेशर है या आपको आर्थराइटिस है, आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो स्पेशलिस्ट आपको कुछ मेडिसिन लिख देते हैं डायबिटीज की, सपोज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन डायबिटीज के कारण आपको कोई और हेल्थ कंडीशन होगी तो आप उनके पास जाएंगे और वो आपको नई मेडिसिन लिख देंगे। तो हर बीमारी के लिए डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं। हमारी बॉडी एक है, हमारी बॉडी के एक स्पेशलिस्ट क्यों नहीं हो सकता? हम हर डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो डिफरेंट मेडिसिन देते हैं और वो ट्रीट करते हैं सिर्फ सिम्टम्स को, वो ट्रीट करते हैं सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को। लेकिन हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी बॉडी सिर्फ फिजिकल नहीं है, हमारी बॉडी इमोशनल भी है, हमारी बॉडी मेंटल भी है। तो ये बुक इस जर्नी में बहुत हेल्पफुल बुक है, ये एक तरह से सेल्फ हेल्प बुक है या सेल्फ हीलिंग बुक है। और जब इन्होंने लिखी थी 1984 में, बहुत सारी बुक्स नहीं थी तब सेल्फ हीलिंग में, लेकिन इनको, इनकी बुक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ हील करी है, खुद अपनी लाइफ ठीक करी है। लुईस हे वॉज स्ट्रगलिंग विद कैंसर और उन्होंने अपने आप को कैंसर फ्री या अपनी पूरी बॉडी को क्योर किया। किससे क्योर किया? अपने सिर्फ थॉट्स से। तो इतनी पावर होती है थॉट्स में। चाहे वो आपके फाइनेंशियल चीज हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, हर चीज, आपकी माइंड में स्ट्रेस क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या बातें चल रही हैं, आप कैसी चीजें सोच रहे हो। आप अगर बुरी सोच रहे हो तो उसका बुरा इंपैक्ट होगा, अगर आप अच्छी बातें सोच रहे हो तो उसका इंपैक्ट अच्छा होगा। आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। सिर्फ ये चीजें, आपको लगता है स्ट्रेस और जब आपको डिप्रेशन हो रहा है उससे ये नहीं है कि आपको सिर्फ सिर दर्द या माइग्रेन या ऐसी बीमारियां हो रही हैं, ये बॉडी में इवन कैंसर तक की बीमारियों को लीड करता है, कैंसर तक की बीमारियां करता है, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत मेजर मेजर बॉडी में जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो हमारी माइंड से होती हैं, हमारी थॉट से होती हैं। यहां पे मैं एक बात कहना चाहती हूं, बहुत से लोग हैं, मेरे अपनी फैमिली में लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते। तो आपको अगर लगता है कि थॉट से आपको बीमारियां नहीं होती या थॉट से आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये वीडियो मत देखें, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि बिलीव करना बहुत जरूरी है, जब तक आप बिलीव नहीं करते तब तक चीजें ठीक नहीं होती, वो चाहे आपका विश्वास गॉड में हो चाहे किसी शक्ति में हो। गॉड को भी हमने नहीं देखा लेकिन हम विश्वास करते हैं कि भगवान है, कोई ना कोई शक्ति है जो ये सारे ब्रह्मांड को चला रही है, चाहे वो शक्ति हमारे अंदर है या बाहर है, शक्ति है। उसी तरह से ये भी एक बिलीव सिस्टम है। लेकिन जो लोग नहीं बिलीव करते, मैं उनको जबरदस्ती बिलीव नहीं करवाना चाहती क्योंकि ये चीजें मन से आती हैं। तो आप अगर ये बुक पढ़ेंगे तो आपको विश्वास होगा। इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं आप, लेकिन आपको बिलीव करना है, आपके माइंड में रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे माइंड में रेजिस्टेंस होती है तब चीजें ठीक नहीं होती। और वही चीज अप्लाई होती है किसी मेडिसिन पे भी।
आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो चीजें वो मेडिसिन आपको ठीक नहीं करेगी, तो वो मेडिसिन आपको कभी नहीं ठीक कर सकती। तो बिलीफ होना तो सबसे एक फंडामेंटल चीज है। अगर आगे चलें तो इस बुक में क्या कहा गया है, इस बुक में ये बातें करी गई हैं कि हम सबके चाइल्डहुड में कोई ना कोई ऐसी बातें हुई हैं जो ट्रॉमेटिक होती हैं, जो पेनफुल होती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और आप चाहते ना चाहते वो आपकी एडल्ट लाइफ को अफेक्ट करती हैं और वो आपको फिजिकल पेन, इमोशनल पेन और मेंटल पेन, हर तरह की पेन लाते हैं वापस, और वो आपके हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो। ये आपकी जो बचपन की बहुत सारी ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं जो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं, हमें लगता है हम भूल गए हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको रिटेन करके बैठी होती है, वो पेन को। तो वो पेन रिलीज करना बहुत जरूरी है। आपने इसमें एनएलपी का सुना होगा, एनएलपी की भी हेल्प से आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एनएलपी की इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। फिर उसके बाद इसमें एक्सप्लेन किया गया है, लुईस हे ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो उनके क्लाइंट्स के साथ थे, तो उनकी क्लाइंट्स के साथ क्या कॉन्वर्सेशन थी, वो बहुत हेल्पफुल है कि आप वो कॉन्वर्सेशन अगर पढ़ते हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो आपसे भी रिलेट करती हैं, तो वो आप वो कॉन्वर्सेशन से भी आप बेनिफिट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी ऐसी डिजीजेस का आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं एक दो आपके लिए पढ़ के बताती हूँ कि आपको कैसे एक्सप्लेन किया है कि हमें फिजिकल, जैसे अभी मेरे पास ये पेज खुल गया है, बैक प्रॉब्लम्स, लोअर बैक, मिडल बैक एंड अपर बैक। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो वो किस लिए है, उसका रीजन है फियर ऑफ मनी, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपकी मिडल बैक में है तो वो गिल्ट के कारण है, स्टक इन ऑल दैट स्टफ बैक देयर, लाइक यू नो हम कहते हैं गेट ऑफ माय बैक। अपर बैक पे लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, फीलिंग अनलव्ड, होल्डिंग बैक लव। और इसका उन्होंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ एफर्मेशंस हैं अगर आप करें, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये लोअर बैक के लिए, मिडल के लिए आई रिलीज द पास्ट, अपर के लिए आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, लाइफ सपोर्ट्स एंड लव्स मी। आप यही चीजें चक्रम हीलिंग में भी है, क्योंकि ये सब चीजें रिलेटेड हैं, आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बॉडी। हमारी चक्रा क्लीनिंग से हम ये सारे जो इमोशनल ट्रॉमास हैं उनको रिलीज करते हैं। तो चक्रा हीलिंग से आप ये कर सकते हैं या आप एफर्मेशन से कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं चक्रा हीलिंग में, या मुझे मैसेज करके बताएं, इसके लिए मैं कोई ना कोई सेशन जरूर करूंगी, हीलिंग का सेशन, और या बुक जरूर पढ़े। इस बुक में बहुत ऐसी चीजें उन्होंने बताई है जो बहुत यूजफुल हैं, कि आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग से, अपनी इमोशनल और मेंटल थॉट से, अपनी थॉट्स चेंज करके आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज मैसेज करके बताएं, और मैं ऐसी बुक रिव्यूज भी और लाना चाहूंगी। और अगर आप किसी भी मेरे वेबिनार या मेरी कोई हीलिंग वाले में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जरूर मैसेज करके बताएं, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।